हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त श्याम बाबू, क्लिनिकल कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट, और आपका हमारे यशोदा देवी आई केयर यूट्यूब चैनल पे बहुत ही स्वागत। आज की वीडियो हम जिस पर बनाने जा रहे हैं वो आपने डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा। तो आप अगर अपना चश्मा बनवाने जाते हैं और जो डॉक्टर है वो आपको नंबर एक प्रिस्क्राइब ऐसे टाइप का एक, आप जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इस टाइप का आपको एक कार्ड देते हैं जिसमें आपके जो ग्लास की पावर है, जो चश्मे की पावर लिखी होती है, वो आपको देते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपकी पावर, चश्मे की पावर क्या है, तो आप नहीं बता पाते हैं, या जिनको पता होता है वो बता देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो अपनी पावर का क्या मतलब है और कौन सा पावर आँख में उनको यूज होगा। आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि अपने चश्मे की पावर को कैसे रीड कर सकते हैं, या आप भी कैसे उसको समझ सकते हैं कि आप कौन सी पावर का चश्मा पहन रहे हैं या यूज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज़्यादातर आपने जैसे कि देखा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके ये वाले भी कॉलम भरे हों और नीचे वाले भी। ऐसे तो चश्मा किसी भी एज में लग सकता है। ज़्यादातर जो चश्मा होता है, जैसे कि आप अभी एक नंबर देख रहे होंगे, इसमें सिर्फ लिखा है SPH, SPH CLY एक्सिस एंड VA। SPH का मतलब स्फेरिकल, CYL का मतलब सिलेंड्रिकल, एक्सिस का मतलब जो आपकी डिग्री होगी, सिलेंड्रिकल में जो डिग्री होगी, और VA का मतलब विजन। समझ रहे हैं, ये आपका डिस्टेंस पावर हो गई है और ये आपकी रीडिंग पावर हो गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे सामने जो दूसरा नंबर है, इसमें -1 देन विजन लिखा है 6Y9, क्योंकि उनका जो करेक्शन करके जो विजन आ रहा है, रिफ्लेक्शन करके जो फाइनल नंबर आ रहा है, तो वो 6Y9 आ रहा है। जो आपका विजन है 6Y9 आ रहा है, वो भी स्फीयर का -1 नंबर लगने के बाद। ऐसा ही लेफ्ट आई में भी है, -1 लगने के बाद 6Y6। और रीडिंग एज, जैसा कि इनकी इस समय एज 24 है, तो 24 में रीडिंग का नंबर नहीं लगता है, तो उसमें हमेशा नॉर्मल विजन रहेगा। और जो रीडिंग की पावर का नॉर्मल विजन होता है N6 होता है, जैसे कि दूर की पावर का जो नॉर्मल विजन होता है 6Y6 होता है, वैसे ही नियर की पावर का जो नियर विजन का नॉर्मल पावर जो होती है वो N6। अब देख रहे होंगे आप, एक नया नंबर हमारे पास आया है, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे स्फीयर बिल्कुल खाली है और इसमें सिर्फ आपका सिलेंड्रिकल नंबर है, मतलब कि ये सिर्फ एक कंपोनेंट इनका पाया गया जो कि सिलेंड्रिकल नंबर है, जिसे एस्टिमेटिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एस्टिमेटिज्म में जो इमेज, जो हमारी लाइट होती है, वो रेटिना के मेन पॉइंट पर नहीं पड़ती है और उसके आसपास एरिया में पड़ती है, तब जाके हमें ये एस्टिमेटिज्म की दिक्कत होती है और उसको करेक्शन करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए ये नंबर लगता है। तो आप देख रहे होंगे कि -0.25 सिलेंड्रिकल CYL, और इसमें एक्सिस का जो यूज हुआ है वो 90 एक्सिस का हुआ है, विजन आपका 6Y6 है। देन ऐसा ही आपका लेफ्ट आई में भी यही है, CYL -0.25 किस एक्सिस है 90 डिग्री और विजन आपका 6-6। नियर विजन में यही रहेगा, ये भी एक अडल्ट का ही है, ये कम एज में ही लगा है, और N6 नियर का विजन है। पर ये आप देख रहे होंगे इसमें सारे कॉलम्स भरे हुए हैं, तो ये जो पावर होती है आफ्टर 40 ईयर्स की एज हो जाती है जिनकी, या 35 एज हो जाती है, तब ये इसमें तीनों कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपके पूरे फुल हो जाते हैं। यहाँ इसमें आपका नियर नंबर भी ऐड हो जाता है और इसमें स्फेरिकल नंबर, ज़्यादातर लोगों में स्फेरिकल नंबर, सिलेंड्रिकल नंबर और नियर एडिशन पावर भी ऐड हो जाती है। आप देख रहे होंगे इसमें स्फेरिकल की पावर 0.5 के साथ, सिलेंड्रिकल की पावर -1.50 के साथ, एक्सिस 80 एंड लेफ्ट की पावर सेम एज इट इज़ है, और नियर की पावर है +1.5, लेफ्ट में भी +1.5 है, जिसे हम बाइफोकल ग्लास बोलते हैं। इसमें आपकी डिस्टेंस की पावर भी होती है और नियर पावर भी होती है।
हम इसका रिफ्रैक्शन करते हैं तब जाके आपका जो पावर निकल के आती है उससे जो आपका विजन क्लियर होता है 6x6 तो ये पावर निकलती है। नियर की पावर जो पास का नंबर आ जाता है, अगर किसी का पहले से यूज़ कर रहा है चश्मा और 40 साल की एज के बाद उसको पास का भी नंबर लग जाता है तब उसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ये उम्र के साथ धीरे धीरे चश्मे का पावर पास का भी लगने लगता है, इसमें प्लस का नंबर ऐड होता है और आपका जो ऊपर का है वो माइनस का भी ऐड हो सकता है। मोस्टली ज़्यादातर लोगों में माइनस की पावर रहती है या जिनके कंपाउंड नंबर है, हेडेक वगैरह होता है तो उनके नंबर में सिलेंड्रिकल पावर भी ऐड हो जाती है। तो आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप अगली बार जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और आपको एक प्रिस्क्रिप्शन कार्ड में नंबर लिख के दे तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और अपने प्रतिक्रिया कमेंट में लिख कर दें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपका एक शेयर किसी की आँख की रोशनी बचा सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।